हेलो एवरीवन, आप सभी ने निम्मी की तरफ से प्रोवाइड कराई गई क्वेश्चन बैंक को तो बनाया ही होगा, लेकिन अगर आप इससे भी कहा चाहते हैं कि आप सभी क्या करें, इसके क्वेश्चंस को भी अपनाएं ताकि आपके एग्जाम्स में आने से पहले आप क्वेश्चंस को प्रोवाइड करके क्वेश्चन को बना सकें, तो उसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि निम्मी की तरफ से एक ऐप प्रोवाइड कराई गई है जिसमें आप सभी को यहाँ पर जितने भी PDF में क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी को आप बना सकते हैं। उसके लिए जिस ऐप का नाम है वो है निम्मी मॉक टेस्ट। तो आज मैं उसे आप लोगों को डाउनलोड कर और उसे कैसे ऑन करना है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप सभी उस पर कैसे सेट मार सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को चले आना है अपने प्ले स्टोर पर। जैसे आप सभी प्ले स्टोर को ऑन कीजिएगा तो प्ले स्टोर को ऑन करने के बाद आप सभी को यहाँ पर सर्च करना है निम्मी मॉक टेस्ट। जैसे सर्च कर रहे हैं सबसे ऊपर में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है निम्मी मॉक टेस्ट का। इस पर आप लोग क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में इस तरह से एक निम्मी मॉक टेस्ट का ऑन होता है। यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ दी गई हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, इसे 1 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। तो आप लोग क्या करें, इसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद में ये थोड़ा देर में ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपको बताया गया है, आप सभी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बोला गया है ईमेल आईडी, मीन्स आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखिए, फिर आप सीधा लॉगिन कर लीजिए। या फिर अगर आप पहले से लॉगिन नहीं है तो आप क्या करें, नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है साइन इन, यहीं पर नीचे में सबसे नीचे यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिया गया है, साइन अप। तब क्या करें, साइन अप पर क्लिक करें। आप साइन अप पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक नया फाइल खुल जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ के स्टूडेंट हैं, CTS के हैं, CITS के हैं या फिर अप्रेंटिसशिप या फिर ट्रेनिंग है। तो आपसे भी क्या है, जो ITI वाले लड़के हैं वो CTS के हैं, और जो CITS कर रहे हैं मीन्स ITI के टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं वो CITS के स्टूडेंट हैं। तो आपसे भी ITI कर रहे हैं अगर, तो आपसे भी क्या कीजिएगा, CTS को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए CTS पर हम क्लिक करते हैं। CTS पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जिन्हें आपको फिल करना है, जिसमें आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी यहाँ पे मांगा गया है। तो चलिए मैं इनसे फिल करता हूँ। तो मान लीजिए मेरा नाम है मैक्स एजुकेशन, मैक्स एजुकेशन मैंने फिल कर दिया। उसके बाद में ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो ईमेल आईडी में मैं अपना ईमेल आईडी लिख देता हूँ। तो आप सभी क्या कीजिएगा, यहाँ पर जितने भी डिटेल्स मांगे गए हैं उन सभी को आप लोग फिल कर दीजिएगा। बस जैसे आप सभी डिटेल को फिल कीजिएगा, क्या होगा, यहाँ पर ऑन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप जिस ITI में पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया, आपको रोल नंबर दिया गया है, तो आप रोल नंबर के आगे में बस केवल कैपिटल में R लगा दें, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद में आपका ट्रेड, फिर सिलेक्ट जेंडर, सिलेक्ट स्टेट। यहाँ आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आगे स्टार्ट हो गया है। जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा मीन्स आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर आप फर्स्ट में देख सकते हैं न्यू टेस्ट है। न्यू टेस्ट में क्या होता है कि आपका नया टेस्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछी जाती हैं वो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में उसी तरह की क्वेश्चंस पूछी जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे सेट भी किया जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस में क्या होगा कि आप जितने भी टेस्ट दीजिएगा आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब उसमें आपका कितने गलत और कितने सही है वो चेक कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं यहाँ पे आपको एक टेस्ट लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए न्यू टेस्ट पे मैंने क्लिक किया। न्यू टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट योर ट्रेड, तो आप अपने ट्रेड को चुनिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चलिए मैं किसी भी ट्रेड को चुन लेता हूँ, जैसे कि मैंने चुन लिया इलेक्ट्रीशियन, मैं मान लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन आ गया, मैंने इलेक्ट्रीशियन को चुना। इलेक्ट्रीशियन को चुनने के बाद में यहाँ बोला गया है नंबर सेकेंड में कि आप क्या चुनिए, आप सिलेक्ट पैटर्न, तो पैटर्न को चुनना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो तरह का बोला गया है, एक एनुअल है और एक बोला गया है सेमेस्टर वाइज। तो एनुअल और सेमेस्टर वाइज होते क्या है, अगर आपका एग्ज़ाम एनुअल मतलब कि एक साल का होने वाला है तो आप एनुअल चुनिए, एनुअल मतलब एक साल पर आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट होने वाला है। तो और सेमेस्टर ये पहले चलता था जो 6-6 महीने पर एग्ज़ाम्स होते थे, तो अब आपको क्या चुनना होगा, अब आपको एनुअल चुनना होगा। तो आपने यहाँ पर एनुअल को सिलेक्ट कर लिया। अब एनुअल सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे क्या करना है, यहाँ पर चुनना है फिर से। तो इसमें आपको बोला गया है कौन सा आपको चुनना है, लाइक यहाँ पे देखिए यहाँ बोला गया है क्या, पहला और दूसरा। तो आपका कौन सा साल का एग्ज़ाम होने वाला है, पहला होने वाला है या फिर दूसरे साल का एग्ज़ाम होने वाला है, उस अनुसार से आप यहाँ पर चुनेगा। मैं यहाँ पर एनुअल में फर्स्ट को चुन लेता हूँ, मीन्स पहले साल का। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला एनुअल सेलेक्ट किया। एंड देन यहाँ पर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज आपको क्या चुनना है, तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज पे जाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज दी गई हैं, जो भी आपका लैंग्वेज हो आप उस लैंग्वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज चुन लेता हूँ, लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो मैं इन दोनों में टेस्ट देना पसंद करूँगा। यहाँ देखिए
चुन लीजिए। उसके बाद में आपको लास्ट में यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है सिलेक्ट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, मीन्स आप कितने क्वेश्चंस का टेस्ट देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जस्ट दो ही तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, एक है 25 का और एक है 50 का, मीन्स आप 25 या फिर 50 किसी एक ही क्वेश्चन, इन दोनों में से किसी एक का ही सेट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ 50 चुनने के बाद में आप यहाँ पर क्या कीजिए, एट द लास्ट यहाँ पर लिखा गया है सबमिट, आप क्या कीजिए सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक कर दिया मैंने, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं, उन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप सीधे स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए आपका सेट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग क्वेश्चन के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर ए मार दिया तो यहाँ पर उसके बाद में नेक्स्ट कीजिए, फिर आप बी, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट एंड देन आपका जो भी क्वेश्चन आए आप उस पर नेक्स्ट करते जाइए। एट द लास्ट जब आप सारी क्वेश्चन बना लीजिएगा, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिर आंसर कितने का आपने आंसर दे दिया, नॉट आंसर यहाँ पे दिखाएगा। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप बना लें तो बनाने के बाद में क्या करें, यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, मीन्स इसे सबमिट कर दीजिए आप एक बार। यहाँ पर आप सभी देखिए, यहाँ पे सबमिट दिया गया, सबमिट का ऑप्शन, सबमिट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा क्या होगा, ये आपका सबमिट हो जाएगा। आप सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बता रहा है कि मैंने सिर्फ 46 क्वेश्चन, मतलब 50 में से मैंने 46 क्वेश्चन को नॉट अटेंड किया है, तो मैं अभी इतना ही भी कर देता हूँ, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे बताए गएंगे, यहाँ पर बताया गया है कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, आपका परसेंटेज क्या है, सब बताया जाता है यहाँ पर। उसके बाद क्या करें आप, यहाँ पर आप आगे चले आएँ। मान लीजिए आपको यहाँ पर देखिए यहीं पर बता दिया जाता ऑप्शन कि आप आंसर क्या कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं, ये सेकेंड वाला जो है वो आंसर देखने के लिए है, तो इस पर क्लिक कीजिए, ये आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा आपका सही कौन सा गलत हुआ, ये आंसर की दे दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है यहीं पर तुरंत। और मान लीजिए अगर आप बाद में देखना चाहते हैं कि आपका आंसर कौन सा आया था, तो आप सेकंड यहाँ पर चाहिए टेस्ट एनालिसिस, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टेस्ट एनालिसिस लिखा गया इस पर चले जाइएगा। टेस्ट एनालिसिस पर जाइएगा तो यहाँ पर आपने जितने भी टेस्ट अभी तक दिए हैं उन सभी का यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और उसमें से जो टॉप पर होगा वो सबसे अभी करंट में टेस्ट दिया हुआ है, टॉप वाले को सिलेक्ट कीजिए। इस पर आपका बताएगा कि आपने कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाए हैं, क्या है, जैसे कि मैंने अभी रैंडमली एक क्वेश्चन बनाया था या दो क्वेश्चन, तो उसमें से मेरा दो क्वेश्चन सही हो गया जो कि 4% मुझे दे दिया गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगे, बल्कि यही क्वेश्चंस पूछी जाती हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।